हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं लता भटाटिस अपने यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं अपने चैनल में एक नए न्यू क्रिएटिविटी लेके आई हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स मेरा डेली ही वर्क रहता है यूट्यूब चैनल में, बट मेरे चैनल में आपको न्यू क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। मैं डिफरेंट टाइप की क्रिएटिविटी करती रहती हूँ। पेंटिंग्स हो गया, सारे मतलब जितने भी वर्क हैं वो मैं सब अपने चैनल पे करती रहती हूँ। और आज मैंने फिर से एक मोज़ेक आर्ट बनाया हुआ है। पहले तो वैसे वो फ़ोटो फ्रेम था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको मोज़ेक आर्ट में चेंज कर दिया है। आपको भी दिखाऊंगी, इसकी लॉन्ग वीडियोस भी मेरे चैनल में है, आप देखिएगा। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आपको मेरे चैनल में बहुत सी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और अपना घर डेकोरेट करने को भी मिलेगी। ये फ्रेंड्स, अब मेरा वर्क स्टार्ट हो चुका है। मैंने कुछ इस तरह से मिरर्स लगा लिए हैं और ये अब मैं इस तरह के मिरर्स लगा के इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब ये जो किनारे इसके बॉर्डर लाइन है तो उसमें भी मैं पूरा इसमें वर्क करूँगी। आप देखिए मैंने किस तरह से इसमें एक फ्लावर का सेप दे रखा है मिरर्स लगा के सारा पूरा। ये देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ग वाली जो मिरर्स होती हैं उनमें मैंने एक फ्लावर का सेप दिया है और ये कुछ इस तरह से बन चुका है। अब देखिए आप धीरे धीरे मैं इस प्रोसेस को कैसे करती हूँ। अब एक तरफ पूरा होने के बाद मैंने दूसरी तरफ भी इसी फ्लावर को कंटिन्यू रखा हुआ है और मिरर्स से इतने सुंदर फ्लावर बने हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। इसके बाद मैंने इसके चारों तरफ के बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स अब ये कुछ इस तरह का बनके तैयार हो चुका है। आप देखेंगे इसमें ये कितना सुंदर फ्लावर लग रहा है और बस एक तरफ का और बचा हुआ है। इसे भी मैं इस तरह से फैब्रिकॉल की सहायता से इसमें मिरर्स लगा लूँगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा बनके कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ इस तरह का ये लग रहा है, अब इसके बीच में वर्क है, तो अब मैं इसमें फैब्रिकॉल की सहायता से देखिए आप मैं किनारे किनारे जो इसके किनारे किनारे हैं जो इनमें और इसको भी मैं इस तरह का मिरर्स लगा के इसे कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मैंने इसमें स्पेस नहीं छोड़ा है और जिस तरह के मिरर्स इसमें यूज़ हुए हैं उसी तरह के मिरर्स एडजस्ट करे हुए हैं। आप ये देखेंगे कि मेरे मिरर्स किस तरह के बने हुए हैं। आप देखिए कि इसमें इतने मिरर्स का काम हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें इस तरह के मिरर्स भी लगाए हैं और मेरे मिरर्स लगाने के बाद ये देखिए इधर का कॉर्नर भी बनके तैयार हो चुका है। कॉर्नर में काम करने के बाद मैंने अब इसके बाद इसमें बीच में मिरर्स लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टेप टू स्टेप मैं इस प्रोसेस को पूरा कर रही हूं और आप देखेंगे कि मैंने इसको कैसे बनाया है। दोनों तरफ के बॉर्डर तैयार होने के बाद ऊपर नीचे का जो बॉर्डर है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। जहाँ पे छोटे मिरर्स लग रहे हैं वहाँ पर छोटे मिरर्स का यूज़ कर रही हूँ और जहाँ पर बड़े मिरर्स लग रहे हैं वहाँ पर बड़े। अब बीच में कंप्लीट करने की बात है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह के फैब्रिकॉल लगा दिया है, उसके बाद मैं इसमें कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इस तरह का फैब्रिकॉल लगाकर इसके बीच का एरिया पूरा कवर कर लिया है। उसके बाद मैं अब इसमें देखिए कि मैंने इस तरह के फ्लावर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। फ्लावर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए फ्लावर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और ये कुछ इस तरह का पूरा कंप्लीट बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अब मैंने इसके लिए व्हाइट सीमेंट पाउडर ले लिया है। अब मैं इसमें मोज़ेक आर्ट करूंगी तो इसके लिए मैंने देखिए कटोरी पे एक व्हाइट सीमेंट ले लिया है। थोड़ा सा इसमें मैं फैब्रिकॉल मिलाऊंगी, ये देखिए बस इतना बहुत है, इतना फैब्रिकॉल, बस फैब्रिकॉल इतना। इसको थोड़ा कर लेंगे हाथ से, ये देखिए फ्रेंड्स, इतना फैब्रिकॉल मिलाने के बाद हम इसको धीरे धीरे हल्का सा मिक्स करेंगे। फैब्रिकॉल चिपक जाता है तो हम हल्का सा इसमें फ्रेंड्स, ये देखिए आपको इसकी हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है सर? ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको मिक्स कर लिया है। थोड़ा फैब्रिकॉल है और थोड़ा सा वाटर है। इसको लिक्विड फॉर्म में हमें बनाना है तो ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ये देखिए, ये फॉर्म इसकी चाहिए हमें, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं आने चाहिए। और एक ये जो हम ये बनाते हैं इसमें एक हल्की सी गांठें जैसी पड़ जाती हैं
वो भी नहीं बिल्कुल स्मूथली, तब तक जब तक ये पूरा मिक्स ना हो जाए, तब तक हमें इसे पूरा मिक्स करना है जब तक इसमें पूरा स्मूथनेस ना आ जाए। उसके बाद फ्रेंड्स ये पेस्ट बनने के बाद अभी मैं इसे और मिक्स करूंगी। अभी तो मैंने केवल इसमें पानी और फैब्रिकॉल मिलाया है, अभी मैं इसे और अच्छी तरह से 5 या 10 मिनट मिक्स करूंगी। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स एक्रेलिक कलर है, ये एक्रेलिक कलर, इसका पर्पल कलर, सॉरी ब्लू कलर, इसका ब्लू कलर मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए इतना ब्लू कलर कर लिया है मैंने इसमें, और इसको फिर मैं पूरा मिक्स कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना सुंदर कलर आ चुका है, ये देखिए पूरा। अभी हमें इसे 5 या 10 मिनट तक मिक्स करना है, पूरा अच्छी तरह से इसे मिक्स करना। कुछ इस तरह का मिक्स करने के बाद ये ब्लू कलर निकल के आया। देखिए फ्रेंड ये कितना स्मूथली बनके तैयार हो चुका है, फैब्रिकॉल और वाटर इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, और ब्लू कलर जो मैंने ब्लू कलर इसमें डाला था वो भी मिक्स हो चुका है। अब ये कुछ अब फ्रेंड मैंने इसको पूरा अच्छी तरह से इसमें लगा लिया है। ये देखिए कि इसमें मैंने किस तरह से इसको लगाया है, अपने हाथों से मैं पूरा इसे मिक्स कर रही हूँ, वरना बीच बीच में इसमें गैप रह जाता है फ्रेंड्स। और इसके बाद मैंने एक कार्ड की सहायता से इसे हम इसे धीरे धीरे साफ कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए ये बनके बिल्कुल तैयार हो गया, और मैंने इसमें सीसे कितनी क्लियर तरीके से साफ कर दिए हैं। अब ये पूरा बनके रेडी हो चुका है, और इसमें ये कितना फाइन आ रहा है देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसको नजदीक से भी दिखाती हूँ कि इसमें सीसे कितने फाइन आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए पूरा मैंने इसे साफ कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वर्क पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स कमेंट भी कीजिए कि मैं आगे आप लोगों के लिए क्या बनाऊं, और इस तरह की क्रिएटिविटी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। अब एक न्यू क्रिएटिविटी के साथ कल मिलते हैं फ्रेंड्स, ओके बाय।